हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर। तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे बीएसपीएससीएल आईटीआई कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो जिन्होंने एलपी का जो कल रिजल्ट आया था, जिन्होंने क्वालिफाई किया। और इतना तो है ऑलमोस्ट कि जितने भी आईटीआई वाले कैंडिडेट होंगे वो एलपी का फॉर्म ज़रूर भरे होंगे ऑलमोस्ट। तो जिन्होंने क्वालिफाई किया उनके लिए सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर सीबीटी टू टेस्ट, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर से शायद स्टार्ट है, 12 दिसंबर से शायद। तो उनके लिए वो ठीक है, जो भी है, चाहे आप बीएसपीएससीएल आईटीआई के कैंडिडेट हो या फिर सिंपल एलपी के जितने तैयारी करें उनके लिए, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर सीबीटी टू टेस्ट। तो ये तो हो गया अभी। और अभी हम लोग अभी बात करेंगे जो बीएसपीएससीएल आईटीआई के जिनका एग्ज़ाम कल है 4 तारीख को, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन वाले का, और भी जितने भी ऑपरेटर वगैरह जितने हैं। तो बीएसपीएससीएल जो टेक्नीशियन की जो कल एग्ज़ाम, उनके लिए सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक और उनके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स, समझे? मतलब कि जो कल एग्ज़ाम है, देखिए कहीं ना कहीं क्या मैटर करता है एग्ज़ाम में, कि ये पर्सनल व्यू से कि ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शायद किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, वो पर्सनली आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा कि वो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता होगा। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो इससे आपके लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपके लाइफ पे, आपके फैमिली पे, आपके फ्रेंड सर्कल पे, आपके सोसाइटी पे एकदम से, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, तो कुछ इसमें टिप्स ये है कि मतलब कि अगर जिनका एग्ज़ाम कल है 4 तारीख को, तो सबसे पहले तो वो एकदम अभी टेंशन लेना एकदम छोड़ दें। मैं सही बता रहा हूँ, टेंशन लेने से कुछ इफेक्ट नहीं होता आपके इम्प्रूवमेंट में कोई भी, जरा भी, जहाँ तक होगा आप स्ट्रेस में जाओगे और थोड़ा डिक्रीज करता है। इसलिए टेंशन ना ले, स्ट्रेस फ्री रहे, मतलब कि जब रिलैक्स मोड में रहे। ऐसा नहीं कि कल एग्ज़ाम में मैं ये बुक पलट रहा हूँ, ऐसे ये सब देख रहा हूँ, तो मतलब कि अकबकाहट टाइप का वो नहीं आना चाहिए, एकदम रिलैक्स रहे, ठीक है। रिलैक्स रह के पढ़ाई तो अभी उस तरह से एकदम छोड़ दे, जैसा कि क्या होता है कि जो आप महीनों से जो तैयारी कर रहे थे, जो सीरियस कैंडिडेट है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो जो महीनों से या 15 दिन से या एक सप्ताह से जो दिन रात करके पढ़ाई कर रहे थे, 6 घंटा, 4 घंटा, चाहे जितने भी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो अभी थोड़ा सा उस तरह पढ़ के उस तरह से नहीं बनाना है प्रैक्टिस, उस तरह थोड़ा छोड़ दीजिए। हाँ, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, अगर आपके पास नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स, चाहे कोई बुक हो, तो उसके थ्योरी को आप हल्के हल्के ऊपर से देख लें। नया चीज़ को एकदम ट्राई मत करें। ये एक दिन का ही बात करें, हम ये आज ही लेकर आ पाएँ, चाहते तो ये पहले ले आते हैं, लेकिन यह है कि एक दिन में आप जो होता ना कि एग्ज़ाम से पहले वाले दिन थोड़ा सा प्रेशर रहता कैंडिडेट पे, तो कितने पास होंगे कितने के पास नहीं होंगे, स्ट्रेस प्रेशर, तो वो अच्छी बात है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सबके लिए ईजी नहीं होता, तो सबसे पहले वो आप कर ले, एकदम टेंशन फ्री रहें, एकदम हंसते खेलते रहें, ज़्यादा ये नहीं कि कोई बोल दिया तो आप चिड़चिड़ा जाएं, ये सब मत करें, ठीक है, नॉर्मल रहे, अच्छे से एकदम नहा धो के बढ़िया से एकदम रिलैक्स रहें, ठीक है। जिनका 4 का है, ठीक है, कल है जिनका एग्ज़ाम, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो अच्छे से थोड़ा होगा तो थ्योरी वगैरह ऊपर से देख ले, जो बुक फॉलो करते होंगे, चाहे जो आप नोट्स वगैरह बनाए होंगे, तो उसे ऊपर से धीरे धीरे देख ले, ठीक है। अभी तो पढ़ाई की बात एकदम ना करें, अपने पर्सनली देख ले, ठीक है। तो बस ये था, ठीक है, रिलैक्स मोड में रहें। और जो आप कल एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो सबसे पहले जितना आपसे बन रहा सही सही, जितना आप, ठीक है, 60 नंबर जो 60 क्वेश्चन है, तो जितना आपसे पहले जितना सही सही एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर ला के वो बना लीजिए। पहले अटेम्प्ट कीजिए कि आपसे करेक्ट ही आंसर आए, जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर ला के जितना हो सके मैच करा लीजिए, 40-45 जितना बन सके, 35-45, ठीक है, टाइम बचा कर। और फिर जितना बचता है, अभी हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं, जितना बचता है उसे तो छोड़े ना, बिल्कुल ना छोड़े, ठीक है। तो उसको इस तरह से करें कि आपको क्वेश्चन ऑप्शन देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि किसमें किसमें डाउट, तो उसको भी ट्राई करें और जहाँ तक हो सके अटेम्प्ट कर ही आए, ठीक है। तो ये मेरा टेक्निकल का पार्ट है। नॉन टेक्निकल, देखिए
नॉन टेक्निकल को सब इजी समझ लेता, लेकिन ऐसा एकदम नहीं होता। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग नॉन टेकिंग जो नॉन टेक्निकल है उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो बिल्कुल आप नॉन टेक्निकल का प्रैक्टिस आपको अच्छी होना ही चाहिए, और प्लस एक्यूरेसी भी उसमें मैटर करता है, क्योंकि जो एप्टीट्यूड रहता है वो बनाने में, जो मैथ वाले जो और भी मतलब जितने भी नॉन टेक में जितने रीजनिंग वगैरह, तो उसमें होता है क्या कि आप उसमें कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो वो इजी तो रहता है, लेकिन होता है कि आप बनाते जाएंगे बनाते तो वो लेंदी चले जाता है, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, और आप छोड़ना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि वो ईजी है और वो बनते जाता है। तो उसमें होता है क्या कि जो क्वेश्चन कम टाइम में बनने के लिए है वो है तो ईजी, लेकिन वो लंबा प्रोसेस जाता है, तो वो इसमें थोड़ा सा आदमी फंस जाता है। तो उस तरह क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी करना चाहें, सबसे पहले हो सके जो देखिए कि जो कम नंबर आ रहे हैं, जो मतलब कम टाइम ले रहे हैं, वो उसको बनाएंगे, क्योंकि देखिए आपको हार्ड बनाने में भी एक ही मार्क्स मिलेगा और इजी बनाने में भी एक ही मार्क्स मिलेगा। तो क्यों ना सबसे पहले हम इजी बना के सारा मार्क्स को हम कैप्चर कर लें, और फिर जो टाइम बचा है उसमें हम ये सब पे टाइम दें। सबसे पहले आपको सेफ जोन में आना पड़ेगा, फिर जाके आप रिस्क पे खेलेंगे, पहले रिस्क पे ना खेलें सबसे पहली बात। तो जो है तो आप जितना आपसे करेक्ट हो रहा है वो स्पीड के साथ बनाते जाएं, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और प्लस आगे आपका अच्छा रहेगा। तो वो करते रहें तो बिल्कुल आप पहले इजी वाले बना ले, अच्छे वाला बना ले, एग्जैक्ट आंसर ला के टिक कर ले, उसके बाद जितना टाइम बचा है जितना क्वेश्चन बचा है वो आप अपने तरीके से कर ले बनाकर अच्छे से, जैसे भी करें, फिर आपके पास एक रहेगा कि आप सेफ जोन में हो। ठीक है, इस बार का कट ऑफ भी आप मान सकते हैं कि 70 प्लस ही रहेगा 68 से 70 के ऊपर ही रहेगा। एक चीज़ जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इतना रहेगा ही, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 100 मार्क्स का है तो इतना रहेगा ही रहेगा। तो ये सिर्फ 4 तारीख वालों के लिए कि जो कल के जो एग्ज़ाम है लास्ट वाले हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेस फ्री होके, टेंशन फ्री होके, जितना भी पढ़े हैं कूल माइंड होके, एकदम स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छे से जाके दे दीजिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। और रही बात जो जिनका एग्ज़ाम आज था, ठीक है जिनका एग्ज़ाम आज था, आई होप कि आपकी अच्छी गई होगी एग्ज़ाम, जाना भी चाहिए, अगर आपने मेहनत किया है तो, अगर आपने कुछ इनपुट दिया है तो उनका आउटपुट आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहोगे सोए रहोगे एग्ज़ाम दो दिन निकाल लिए, यार ऐसा तो कतई नहीं होता है। ठीक है, ये गलत फहमी में है, जिनको लगता होगा ना कि हम मेरे पास टैलेंट है हम सब जानते हैं, वैसा होता है कि टैलेंट होता है, लेकिन हार्डवर्क बीट टैलेंट, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा गलतफहमी में थे, 3 तारीख के लिए बता रहा हूँ कि ये सब तो पता है, वहाँ जाके मार के भी आए लेकिन रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बता रहा है कि जिनका एग्ज़ाम आज था, आई होप अच्छा गया, वो जिन्होंने तैयारी की होगी, जिन्होंने नहीं की होगी उनका अच्छा चल जाए तो और भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तैयारी करना ही चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम को सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, आजकल के दौरान ऐसा नहीं है कि पहले जैसा कि नौकरी बढ़ती थी, पहले बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी 10,000 की नौकरी के लिए भी, गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, कंपटीशन से होकर जाना पड़ता है। गवर्नमेंट की छोड़िए तो प्राइवेट में भी आजकल अगर एक प्राइवेट कंपनी अगर बोल दे कि इंटरव्यू है, वैकेंसी है, तो उसमें देखिएगा कितने सारे कैंडिडेट पहुंच जाते हैं। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये आप अगर एक्सपीरियंस किए होंगे तो आपको पता होगा, चाहे दोस्तों वगैरह से सुने होंगे तो आपको पता होगा कंपटीशन का लेवल क्या। अगर उस कंपटीशन के दौर में अगर आप तैयार नहीं हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हो, संघर्ष नहीं कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जिनका एग्ज़ाम आज था, आई होप उनका अच्छा किया होगा, अच्छे तैयारी किए होंगे, तो जैसे भी हो ठीक है, और जो भी है वो रिजल्ट होगा। अगर और जो ये क्वेश्चन होगा, जितना भी आपको पता होगा जैसे भी है, तो आप प्लीज़ हमारे ईमेल पे या इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पे कैसे भी करके आप हमको सेंड कर दें, ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें, आपको उसका एग्जैक्ट आंसर बता सकें, और कैसे कैसे क्या क्या था वो हम कर सकें। तो ये सिर्फ जिनका आज था, और जिनका एग्ज़ाम कल है 4 तारीख को, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम कल है 4 तारीख को, वो भी कल प्लीज़ एग्ज़ाम देकर आएँ। अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन याद है कुछ भी कैसे भी, तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं, ताकि हम लोग उसका एनालिसिस करके आप लोगों को बता सके कि कहाँ पे क्या क्या हो। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं भी आते तो चलेगा, एक दो भी हमको बस थोड़ा सा हिंट मिल जाना चाहिए किस तरह क्वेश्चन थे, तो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो
ऐसा करने से आप लोग का भी होगा कि कैसा कैसा पेपर था, और जो नेक्स्ट कैंडिडेट जो अगले साल के लिए है उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी और आपके भी। तो आप लोग तैयारी कर रहे कि जैसा हो 4 तारीख वाले के, प्लीज़ स्ट्रेस फ्री रहे, कोई टेंशन ना ले, अच्छे से एग्ज़ाम, सारा एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा अगर आप स्ट्रेस फ्री लेके अगर अच्छे से तैयारी किए हुए तो। ठीक है, चलिए फिर, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो यार। ठीक है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।